तो आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो ओनियन की चटनी। डोसा मैंने बना दिया है, आज चटनी की बारी है तो बनाते हैं। गैस जला लेते हैं, पैन रख दिया है मैंने। सबसे पहले डाल रही हूँ नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। अगर आप ये ऑयल में ना बनाना चाहो तो बना सकते हो, ड्राई भी बना सकते हो। सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करो, मिक्सी में पीस लो, उसका रंग अच्छा नहीं आता। और दूसरी वो ड्राई हो ही जाती है तो कहना ही आसान है कि मेरे को ड्राई बना के खानी है, अदरवाइज टेस्टी तो सबको ऑयल वाला खाने लगता है। तो मैंने इसलिए ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। ऑयल में सबसे पहले राई का, जीरे का तड़का लगाएंगे, फिर साबुत लाल मिर्च, चने की दाल और उड़द की दाल डालेंगे। जब वो अच्छे से गुलाबी हो जाएगी उसके बाद दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और नमक, और लास्ट में मिलाएंगे इमली, फिर पीस लेंगे ठंडा करके। सबसे पहले हाफ टी स्पून राई या सरसों, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द की धुली दाल। इनके पिंक होने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। साबुत लाल मिर्च चला लिया, सबको गैस तेज करते हैं, लगातार चलाते हैं। पिंकिश हो रही है दाल, बस अब नई चीज़ें दूसरी। अदरक लहसुन, कड़ी पत्ता, प्याज, एक प्याज है मोटी कटी हुई, प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद टमाटर की बारी है। थोड़ा सा भुनने का मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई, हल्का नरम हो गया, तो बस डाल दिया हमने टमाटर। 2 टमाटर हैं कटे हुए मोटे। टमाटर डालने का मतलब है साथ साथ डाल दो 1 चम्मच भर के नमक का भी। मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने घर के हिसाब से जो ले सकते हो ले लो। टमाटर तकरीबन नरम हो गया, गैस तेज किया और अब गैस बंद किया। बस अब इसको ठंडा होने देते हैं और मिक्सी में चलाते हैं। चटनी हमारी तैयार है समझो। ये मैंने जो लास्ट में नमक डाला है टमाटर के साथ साथ, उसे ही फटाफट काम मेरा ख़त्म हो गया। तो बस ठंडा करके हम पीस लेते हैं। तो ये सारा मिक्सचर चटनी वाला तो हो गया, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली का पानी। अगर आपके पास इमली रखी है तो धो के ऐसे ही डाल सकते हो। मेरे पास तो इमली का पानी एक्चुअली तैयार रहता तो मैं पानी डाल रही हूँ। तो इसको चला लेते हैं। चटनी तैयार। तो तड़का लगा के पीसने का यही फायदा हुआ हमें कि अब दोबारा से तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। बस इसको फ्रिज में रख लेते हैं, 3-4 दिन आराम से प्यार से चलेगी, बात तक भी चल जाती है वैसे, पर 3-4 दिन तक ही खाएंगे हम, है ना। तो ये हो गया तैयार। साउथ इंडियन खाने में चटनियों की एक अलग ही वैल्यू है। हम अगर सांभर डोसा खाएंगे तो चटनी चाहिए, वड़ा खाएंगे तो चटनी चाहिए, इडली खाएंगे तो चटनी चाहिए। तो अभी हमने बनाई थी प्याज टमाटर वाली चटनी और अब हम बनाने वाले हैं पीनट चटनी। तो पीनट चटनी के लिए मैंने पीनट लिया है, साथ में नारियल का तेल लिया है। कोकोनट ऑयल जो है इस खाने के फ्लेवर को एनहेंस करता है, इसलिए कोकोनट ऑयल लेंगे। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, उड़द की धुली दाल और चने की दाल, इनका तड़का लगता है ऑयल में और ये जब पीस जाती हैं भुन के तो ये टेक्सचर देती हैं हमारी चटनी को। हींग का फ्लेवर ले रही हूँ मैं, इसमें लहसुन नहीं डालने वाली हूँ। और राई, ये राई थोड़ी सी समझ लो 1/4 हाफ टीस्पून के बीच में है, ये पिस जाएगी तड़का लग के, अलग टेस्ट देगी। ऊपर से जो हम तड़का लगाएंगे सरसों का वो अलग रहेगा। तो नारियल का टुकड़ा लिए तकरीबन 2-3 टेबल स्पून हो जाएगा। इमली का पानी लिया है। तो बनाना शुरू करते हैं, गैस जला लेते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल लेती हूँ पैन में, 2 टीस्पून के करीब लिया ऑयल, 1/4 टीस्पून फुल राई, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द धुली दाल,
इनको थोड़ा सा जब ये स्पिटर कर लेंगी, चटक जाएंगी, तब हम मूंगफली डालते हैं। थोड़ा सा ये भून चुकी है, बाकी क्या भुनेंगे, मूंगफली सा मूंगफली डाल लेते हैं। मूंगफली कच्ची है, ये रोस्ट होएंगी तो टाइम लेंगी, थोड़ा सा गैस कम करके धीरे धीरे इसको भूनते हैं। मूंगफली की भी थोड़ी थोड़ी आवाज शुरू हो गई है ना, गैस तेज करके तेज आंच चलाते हैं। गैस कम कर रही हूँ फिर से। दालें मेरी पिंक हो चुकी हैं, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और 10-12 दाने कड़ी पत्ता के। लास्ट में डाल रही हूँ हींग। हींग लास्ट में इसलिए कि मेरी हींग बहुत तेज है और इसको ज़्यादा तेज आने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा इसका काम। गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद करके मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा इसमें मैंने नारियल डाल दिया, कच्चा भी ले सकते हो पर जरा भुनेगा तो और अच्छा हो जाएगा। मूंगफली दालें चेक कर लो, इसको बिल्कुल अच्छे से भुने दिख रहे हैं। गैस बंद करके मैंने नीचे उतार लिया पैन को, ठंडा करके अब इसको पीसना है मुझे। ठंडा हो गया, इसको हम पीस लेते हैं। इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, सेंधा नमक ले रही हूँ मैं, और साथ में ये इमली का पानी। पीसते हैं इसको। तो पीनट की चटनी हो गई तैयार, मैं टेस्ट कर ली है, बहुत टेस्टी बनी है, और आपको भी राय दूंगी कि जल्दी ही बना लो इसको। तो अगली बनाते हैं अब हम, ये हमारी होगी तैयार। तो अब हम बनाने वाले हैं नारियल की चटनी। तो ये हमारी थर्ड चटनी है नारियल की चटनी, जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है सौफिन खाने के साथ। इस चटनी में खास बात यह है कि इसमें नमक काफ़ी कम डालता है, थोड़ी मिठास की तरफ ही बनती है। तो उसके लिए भुना चना या भुना चने की दाल जो भी अवेलेबल हो जाए उसके साथ बनाएंगे। जितना नारियल का होगा अंदाज़ा उतना ही अंदाज़ा आपका भुना चना या दाल। तो बनाते हैं, मिक्सी में डाल देते हैं, ग्राइंडर में कड़ी पत्ता भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, थोड़ा सा इमली का पानी। हाँ, तीनों चटनियों में मैंने इमली का पानी डाला है। आप तीनों चटनियों में खट्टी दही से भी काम कर सकते हैं। तो ये हम पीस के चटनी बना लेते हैं। तो नारियल की चटनी भी बन के तैयार है। इसमें मैंने पीसते वक्त पानी मिलाया तकरीबन 1/2 कप, और पीनट चटनी में भी थोड़ा सा पानी मिलाया था और इसमें भी मिलाया। इन तीनों को सर्व करते हैं अब हम। मैंने ये पैन में थोड़ा सा नारियल का तेल लिया, एक मिर्ची, थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इनको मैं चटका रही हूँ। थोड़ी सी ले ली मैंने हींग। गया गैस बंद कर रही हूँ, अब इस पर मैं तड़का लगा लेती हूँ। इस पर डाल देते हैं, तीनों का तड़का एक जैसा लगाया जा सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज करा जाए, पर मैं जो बताने वाली हूँ वही है कि एक ही तड़का तीनों पे काम आ रहा है। इस पर सिर्फ कड़ी पत्ता रख देते हैं और इस पर कड़ी पत्ता रख के साथ साथ मिर्च भी रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देते हैं। ये नारियल के तेल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप भी बनाओ नारियल के तेल में, कोशिश करके बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। तीनों चटनी बनकर बिल्कुल तैयार। नारियल की चटनी, टमाटर और प्याज की चटनी, पीनट चटनी, तीनों चटनियाँ साउथ इंडियन खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तैयार हैं।